सत श्री अकाल। एक माँ लई अपने बच्चे छड़ना शायद सब तो मुश्किल गल हुंदी है, पर इहो जिहा की होया कि एक औरत ने अपनियां दो कुड़ियां जिन्हां चों एक नवजात सीगी उहनूं छड़ता। अज दी कहानी है रुंजुन बेगम दी, जो रंगिया असाम विच है। एक बहुत ठंडी रात उहने सोचिया कि या तां उह अपने पति दी मार खांदी रहे ते शायद किसी दिन इस तरह अपनी जिंदगी गवा दे, या फिर उह शहर चों भज जावे ते अपनी जिंदगी खत्म कर दे। उस रात वह 5 महीने प्रैगनेंट सी, पर उन्हें आही चुनिया, वह भज गई अपनी दो छोटिया छोटिया कुड़ियां पिछे छड़ के। आई सी शहर अपने दुख खत्म करन, ते उन्हें कीता भी, पर अपनी जान दे के नहीं, अपनी जिंदगी बदल के। अज एक सक्सैसफुल टेलरिंग बिजनेस चलाती है, अपना खुद का घर है उहदे कोल, जिथे अपने 8 साल के मुंडे दे नाल रहिंदी है, ते नाल ही 10 होर औरतां नूं फ्री विच ट्रेन करके उन्हां दी भी जिंदगी बदल रही है। 31 साल की ये रंजना बेगम रीसेंटली फेलिसिटेट हुई सी, इहदा सम्मान किया गया असाम सोशल वेलफेयर मिनिस्टर अजंता नियोग वल्लों, क्योंकि यह डोमैसटिक वायलेंस के खिलाफ एक इहोजी आवाज़ बनी है जिहड़ी होरां नूं इंस्पायर कर सकती है। रंजना कहती है, मैनू हजे भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा सम्मान किया गया, मेरे पिता बहुत खुश होए, बहुत प्राउड ने हुण मेथों कि तू इस मुकाम ते पहुँच गई। रंजना दसदी है कि मेरे इनलॉज मैनू बहुत टॉर्चर करते सीगे, इस हद तक किया कि मैं सोच लिया सीगा कि हुण मैनू मरना ही पैना। सिर्फ 21 सालों की सी जदों घरों भज गई सी, पर कहिंदी क्योंकि मेरे कोल होर हौसला नहीं सीगा इह सब सहण दा। पर अगले कुछ सालों विच लोकां तों मदद लैके उन्हें एक स्ट्रेंथ डेवलप की कि अपने ते अपने मुंडे नूं हुण मैं वधिया जिंदगी देनी है। जिस रात उन्हें घर छड्डिया, रंजना कहती है कि मैं खुश सीगी ये सोच के कि हुण तों बाद इन्ना दर्द ते इन्ना टॉर्चर मैनू नहीं सहना पवेगा। रंजन दे इनलॉज उहनूं घर दे बाहर लॉक करन लग गए सीगे रात नूं एज अ पनिशमेंट, क्योंकि उन्हें एक नहीं बल्कि दो कुड़ियां नूं जन्म दिता सीगा, वह भी इहो जिहियां जिन्हां दा रंग सांवला सीगा। टॉर्चर वधदा रहा जदों दूसरी कुड़ी हो गई 2012 विच। जदों तीजे जवाक नाल प्रैगनेंट हुई तां उहदे इनलॉज कहण लगे कि तैनूं अबॉर्शन कराना पवेगा क्योंकि तू कुड़ी ही देंगी ते सानूं कुड़ी नहीं चाहीदी। वह गल हो रहा है कि तीसरा जवाक एक मुंडा होया, पर अज उन्हां इनलॉज दे नसीब च नहीं है। रुंजना दसदी है कि 2007 विच सिर्फ 16 साल की सी जदों उहदा विआह करा दिता गया। वह पढ़ना चाहती सी हर दूजी कुड़ी की तरह, पर उहदा विआह करा दिता गया ते उहदी उस तरह की कोई भी इच्छा पूरी ना हो सकी। खैर, इहो जी जिंदगी जदों छड़ के आई ते जेब सिर्फ 30 रुपए सीगे जिहड़े उहने बस वाले नूं दित्ते, ते उहने उहनूं सिर्फ गुवाहाटी तक लाया। पूरी बस की जर्नी के दौरान वह रोंदी रही। एक स्ट्रेंजर ने यह नोटिस किया ते उन्हूं मदद ऑफर की, उन्हूं डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करवाया, डाइवोर्स का केस पवाया, ते फिर नैशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन तक उन्हूं पहुँचाया। उत्थे उन्हूं एडवोकेट्स मिले जिन्होंने ना सिर्फ उहदा केस लड़िया बल्कि एक NGO नाल मिलाया जिन्हें उहदी जिंदगी फिर बदली। देखा गया कि उहदे च टैलेंट सीगा स्टिचिंग का, एक कपड़िया वाली मशीन चलाउण दा, इस करके उन्हूं एक मशीन लैके दित्ती जिहदे नाल उन्हें अपनी कमाई करनी शुरू की। 9 महीने प्रैगनेंट होने के बाद उन्हें काम शुरू किया, उसका मुंडा होया ते नाल दे नाल अपना काम वधाण लगी। उस तो बाद एक असिस्टेंट लगी एक टेलरिंग शॉप विच, जिस तो उन्हें काम सीखा कि काम एक बिजनेस किवें चलता है, ते फिर अपनी दुकान खोली। कहिंदी दिन बड़े औखे सीगे क्योंकि कदी कदी सिर्फ 20 रुपए कमा पाती सी मैं पूरे दिन च, ते कदी कदी रोटी खाण नूं भी नहीं सी हुंदी, पर 20 तो 200 होया ते अज उहदे दुकान दा रेवेन्यू महीने दा 1 लाख तक भी पहुँच जांदा। इह सब दे नाल नाल कोर्ट दे केस चलदे रहे ते 2015 विच डिवोर्स होया, ते फिर उहनें सोचिया कि मैनूं अपने वर्गियां होर औरतां दी मदद करन दी लोड़ है। हौली हौली बिजनेस नाल घर बनाया ते हुण उसे घर विच कुड़ियां नूं ट्रेनिंग दिंदी है जो खुद फिर सैल्फ सफिशियंट हो पाणगियां ते इहो जी जिंदगी च कदी पैणगियां ही नहीं। है ना कमाल दी कहानी। जिंदगी औखी तो हुंदी है, बहुत औकड़ा आउंदियां भी रहिंदियां ने, पर असीं उहनां चों निकल सकदे हां, बस एक हौसला रखण दी लोड़ है। ते हाँ,
ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਪਾਉਣ। ਜੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਔਖੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਰਨਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਬਣੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।